हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी स्वागत है। फाइनली हमारा इंजीनियरिंग के लिए कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कहाँ से आपको कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपके 99% आए रहे, हर एक को वीडियो देखना है, वरना आपने अगर यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक की तो आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी स्वागत है। फाइनली हमारा इंजीनियरिंग के लिए कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कहाँ से आपको कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कहां से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपके 99% आए रहे, हर एक को वीडियो देखना है, वरना आपने अगर यहां पे थोड़ी भी मिस्टेक की तो आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट आ तो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले हमें यहां पे सिटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कैप पोर्टल आपको यहां पे देखने मिल जाएगा 2024 और 25 के लिए। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ऐसा यहाँ पे पेज देखने मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि हमारा MBA हो गया, MC हो गया, MEM टेक हो गया, या फिर मास्टर इन आर्किटेक्चर हो गया, तो ये सब के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे BBTech का रजिस्ट्रेशन देखने वाले हैं। साथ ही आप अगर आप बी फार्मेसी के लिए जाना चाहते हो, या फिर बी आर्किटेक्चर के लिए जाना चाहते हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे BBTech का देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन पेज रहने वाला है हमारा कैप राउंड प्रोसेस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे जो भी एक्टिविटी रहेगी, आपको मतलब जो भी अप्लाई करने वाला, जो भी न्यू एक्टिविटी आएगी, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो जो कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्क्रूटनी सेंटर की आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, मतलब जो भी आपके पूरे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे भी हमारा FC सेंटर है, उसकी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको कराना है तो आप यहाँ से भी जाके, मतलब स्क्रूटनी सेंटर में भी जाके करा सकते हो। यहाँ पे कितने आपको मेथड मिल जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। तो इसलिए गाइस वीडियो को पूरा प्लीज एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कौन से डेट पे हमें मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, टोटल हमें कितना टाइम पीरियड यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो इनकी तरफ से हमें मतलब ऑफिशियल ब्रोचर आया था, उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ मतलब कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, कितने टाइप के कैंडिडेट है, कौन कौन मतलब यहाँ पे एलिजिबल है, साथ ही में यहाँ पे किसको यहाँ पे फीस लगने वाली है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीन टाइप के कैंडिडेट है हमारे। एक हमारे महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है, एक हमारे OMS कैंडिडेट है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जम्मू कश्मीर के भी आ जाते हैं, हमारे लद्दाख के भी आ जाते हैं, साथ ही हमारे यहाँ पे NRI कोटा है। हर एक का यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, साथ ही में उनको कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 12th में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 40+% होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 12th बोर्ड में 45+% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया तीन कैटेगरी में स्टूडेंट डिवाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी मेंशन की गई है, www.maharashtracity.organization। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसने भी यहाँ पे MSc सिटी 2024 का एग्जाम दिया है, तो उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो किनको यहाँ पे फीस पे करनी है। जिन्होंने MSc सिटी का एग्जाम नहीं दिया है तो उनको यहाँ पे फीस लगेगी। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आप देख सकते हो आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फीस लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे ST ST हो गया, VJDT हो गया, हमारा NT कैटेगरी हो गया, OBC, SCBC, EWS और इस साल से यहाँ पे SEBC भी आ गया है, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 800 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे भाई यहाँ पे JEE के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे फीस है। अगर आप OMS कैंडिडेट हो तो आपको हर एक को यहाँ पे 1000 रुपीज लगेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे NRI कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 10000 रुपीज फीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी डेट पे यहाँ पे क्या क्या चीज होने वाले हैं, टोटल हमें कितना टाइम मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हमें 14 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का हमें टाइम मिलने वाला है, मतलब टोटल यहाँ पे 11 डेज का हमें टाइम मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए हमें यहाँ पे टोटल मतलब 11 डेज का यहाँ पे सेम टाइम मिलने वाला है, 15 से लेकर 25 तक। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे मोड आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक हमारा मतलब ऑनलाइन मोड है, एक हमारा यहाँ पे फिजिकल मोड है। तो फिजिकल मोड में आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आप सीधा FC सेंटर पे लेके जा सकते हो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ऑनलाइन मोड में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जो भी आपने आपके डॉक्यूमेंट आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आपको स्कैन करना है और वहाँ पे इनके वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है। वो यहाँ पे खुद चेक कर लेंगे, मतलब जो हमारे FC सेंटर वाले हैं ऑनलाइन खुद ही चेक करके आपको एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे भेज देंगे, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप मतलब फिजिकल मतलब जाना चाहते हो, मतलब फिजिकली स्क्रूटनी सेंटर में,
तो उसके थ्रू भी आप करा सकते हो, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन आपको यहाँ पे दोनों मोड मिल जाते हैं। तो जो हमारे ओएमएस कैंडिडेट है जो महाराष्ट्र से बाहर के, तो उनको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आराम से मतलब वहीं से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन आप मतलब जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो मतलब 27 जुलाई को आपको डिस्प्ले हो जाएगा मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी रैंक क्या है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी होती है और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग रैंक आती है, हमारे स्टेट लेवल की अलग रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक अलग आती है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से रैंक अलग आती है, आपकी होम सिटी के हिसाब से अलग रैंक आती है, आपने अगर ईडोल के थ्रू अप्लाई किया उसकी रैंक अलग है, टीओडोल के थ्रू अगर अप्लाई किया उसकी रैंक अलग है, मतलब हर एक कैटेगरी यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे रैंक देखने मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके सेम परसेंटाइल होते हैं, जैसे आप देखोगे 100 परसेंटाइल मतलब 16-17 लोगों यहाँ पे 100 परसेंटाइल है, तो अब आप बोलोगे इसमें से रैंक वन कौन रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैथ्स के परसेंटाइल देखते हैं, मैथ्स के परसेंटाइल जिसके सबसे ज्यादा रहेंगे उसको रैंक वन मिलेगा यहाँ पे। अगर मैथ्स के परसेंटाइल दो स्टूडेंट के सेम रहे तो उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिक्स का परसेंटाइल देखेंगे, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का परसेंटाइल देखेंगे, फिर आपका टेंथ में जाए मतलब 12th बोर्ड का पूरा मार्क्स देखेंगे, फिर 10th बोर्ड का मार्क्स देखेंगे। तो ऐसे एक एक करके देख के फिर आपको पता चलेगा मतलब रैंक वन कौन है। तो उसके हिसाब से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनके 92.55 मतलब सेम परसेंटाइल 10-15 लोगों को मतलब सेम परसेंटाइल है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 28 से लेकर 30 जुलाई तक, मतलब इसके बीच में जो भी आपका ग्रीवेंस वगैरह है, मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया था तो आप यहाँ पे रिसिप्ट वगैरह अपलोड करके अपना डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाई करा सकते हो। उसके बाद हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी मतलब 2 अगस्त को, तो आपको पता चल जाएगा आपकी फाइनल क्या रैंक है, क्योंकि इसी रैंक के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो इतना प्रोसेस होने के बाद मान लो आपका मतलब 8 या 10 अगस्त आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा कैप्राउंड वन के लिए। टोटल मतलब 9 दिन चलेगा कैप्राउंड वन, मतलब 9-10 दिन चलेगा, उसके बाद हमारा कैप्राउंड टू रहेगा, कैप्राउंड थ्री रहेगा। तो टोटल आप मान सकते हो आपका सितंबर मतलब फर्स्ट वीक पूरा जाने वाला है, आपका कॉलेज मतलब जो स्पॉट राउंड होने वाला है वो आपका सितंबर फर्स्ट वीक के बाद होएगा, और कॉलेज आपको मतलब सेकंड कैप राउंड के बाद स्टार्ट हो जाता है मोस्टली। बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ रिजर्व कैटेगरी है, जैसे हमारा SC हो गया, VJTT हो गया, NT हो गया, बाद में आपको देख सकते हो और भी जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आपको 3 मेन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सब मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। जो यहाँ पे ST ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे नॉन क्रिमिनल नहीं लगेगा, बाकी हर एक कैटेगरी को यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट लगेंगे। और जो आपका नॉन क्रिमिनल है उसका आप यहाँ पे देख सकते हो वैलिडिटी आपको 31 मार्च 2025 तक चाहिए, बाकी आप यहाँ देख सकते हो और भी कैटेगरी यहाँ पे साथ में हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, मतलब हमारा कैप राउंड प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पे कितने टाइप के कैंडिडेट है, यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, कितने लोगों को यहाँ पे फीस पे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे आपको 11 डेज का टाइम मिला है दोनों के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कैप राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर थोड़ा डेट और भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, मतलब 2-3-4 दिन और भी एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, वो सिटी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वापस हम अपने पेज पे चले जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, हमारा मेन पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने एमएससी सिटी का एग्जाम दिया तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एमएससी सिटी और JEE दोनों दिया तो भी आपको यस करना है। अगर आप सिर्फ आपने एमएससी सिटी का एग्जाम नहीं दिया और आप JEE का एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो हमने एमएससी सिटी का एग्जाम दिया इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, हमारा रोल नंबर और हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका यहाँ पे नाम देखने मिल जाएगा, जो भी आपका नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के परसेंटाइल, साथ में आपके टोटल परसेंटाइल यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्म जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया आप एक बार पूरा A to Z हर एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस कर दो। अब उसके बाद हमारा मेन थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगेगा, वो आप यहाँ पे फिल कर देना। सबसे पहला जो भी आपका मतलब 12th बोर्ड के मार्कशीट पे जो भी आपका नाम दिया है सेम यहाँ पे आपको नाम डालना है, आपके फादर का नाम मतलब पूरा नाम नहीं लिखना है, आपका फादर का नेम सिर्फ यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपके मदर का नेम यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। बाद में आपका जो भी जेंडर है यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे कंफर्म जेंडर कर देना, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी डालो फिर यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ कर देना, ठीक है। जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, आपकी फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, आपकी मदर टंग यहाँ से सेलेक्ट कर देना, और आप तो इंडियन तो हो ही तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे ऐड कर देना, स्टेट आपका, तालुका आपका, पिन कोड आपका, वो सब ऐड कर देना, मोबाइल नंबर ये कंपलसरी नहीं है, टेलीफोन नंबर, मतलब जहाँ पे भी यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है ना वो सब आपको भरना है, जब भी आप यहाँ पे आगे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मतलब करेक्ट डालना, क्योंकि यहाँ पे
पूरे कैप राउंड प्रोसेस में यही मोबाइल नंबर मतलब काम आने वाला है, जो भी मतलब सिटी सेल की तरफ से अपडेट रहेगी इसी नंबर पे आएगी। और जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे तो आगे का ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल सब फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो उसका आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, मतलब हार्ड पासवर्ड, मतलब ऐसा सेलेक्ट करना जो आपको याद रहे। पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म पासवर्ड कर दो, यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया है वो भर देना, उसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर दोगे तो उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ओटीपी यहाँ पे जैसे आप भरोगे उसके बाद आपका मतलब आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो आईडी आपका ईएन करके, ईएन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और पासवर्ड आपने जो यहाँ पे रखा है वो रहेगा। वो सब होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट डे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा बता दिया, कंप्लीट बता दिया है। तो आगे जो भी मतलब एक्टिविटी होने वाला है हमारा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैप राउंड 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, हमारा जो भी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी आगे एक्टिविटी रहेगी आपकी, यहाँ पे लाइन से एक एक ऐड होते जाएगी, ठीक है। आपका जो भी अलॉटमेंट डिक्लेयर होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपकी कैप राउंड की कॉलेज की लिस्ट आएगी यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जितने भी मतलब एक्टिविटी आएगी, हर एक को आपको स्टार्ट करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड लगेगा जो आपने ऑलरेडी जनरेट किया है। ईएन करके ईएन से आपका पासवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, पासवर्ड ईएन से आपकी आईडी स्टार्ट हो जाएगी, पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।